इसके साथ ही पेज नंबर 22 पे आपको सी पार्ट दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। मेक द प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस, इनके हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक एट यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 22। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बट ये कि एक बार रिवाइज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस यूज टू स्टेट एन एक्शन विच अकर्स रेगुलर बेसिस इन प्रेजेंट। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मोस्टली हम ऐसे एक्शंस के बारे में आपको बता रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बयान कर रहे होते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे हम कोई भी काम है वो करते हैं उसके बारे में। देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, अच्छा उर्दू में तो आप इसमें क्या आता है, ता है, ती है, ते है वगैरह एंड पे आता है सेंटेंस के, और इंग्लिश में हम इसको कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस का इजाफा होता है, और अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तो उसके साथ आपको पता ही है कि जस्ट सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला वही होता है, उसकी सेटिंग वही रहती है। एग्जाम्पल आपको दी हुई है ही प्लेस फुटबॉल डेली, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के, तो ही शी इट के साथ आप डज नॉट यूज़ करते हैं, आई वी दे यू के साथ आप डू नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज नॉट या फिर डू नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, और अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही शी इट होगा तो आपको पता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू ही शी इट के साथ आप डज नॉट यूज़ करेंगे, और डज जो होगा वो स्टार्ट पे आ जाता है, और अगर हम यूज़ करें आई वी दे यू, ये प्रोनाउंस हैं आपके, तो फिर आप उनके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे और इंट्रोगेटिव में वो स्टार्ट पे आ जाएगा। इन्हीं को माइंड में रखते हुए हमने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब मैं आपको बताऊँगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के बारे में। टेंथ क्लास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आपको पता है क्या होता है कि फेल, हाल, जारी, ठीक है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ट्रांसलेशन उर्दू में जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसके एंड पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, और प्रोनाउंस जो होते हैं यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल फॉर्म हो, मीन्स कोई से दो नेम आपको साथ दिए हुए हैं तो उसके साथ देखें क्या यूज़ होता है। स्क्रीन पे आपको पता चल रहा है ये स्टार्ट पे ही आर यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी होता है, और अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा क्लियर आपको ये स्क्रीन पे ये हो रहा होगा, अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम आई के साथ आपको पता है कि एम यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट के साथ इज़, आई, वी, यू, दे, वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट हमने क्या ऐड करना होता है, नॉट ऐड करना होता है। इंट्रोगेटिव में हम यही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आते हैं, और मज़ीद ये आप पढ़ लें आपको ज़्यादा ईजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टेंथ क्लास पेज नंबर 22 पे आपको जो एक्सरसाइज गिवन थी इसको सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आपको खुद से फील हो जाएगा कि इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करना है या कंटिन्यूस। अब देखें यू नॉट लाइक, आपको ऑप्शनल दिया हुआ है आंसर, और डैश चॉकलेट्स, तो अब ये तो नहीं हो सकता, यू आर लाइकिंग चॉकलेट्स, तो ये बनेगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। सेकंड है आपके पास शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट, तो इसमें होगा शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, दे नॉट ईट डैश राइस एवरी डे, सो दे
डू नॉट ईट राइस एवरी डे वी नॉट वर्क नाउ वी के साथ आर यूज़ होता है वी आर नॉट वर्किंग नाउ इट डैश अ लॉट हेयर इट रेन्स अ लॉट हेयर नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो तो ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये भी कंप्लीट हो गई है।